नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है हम सभी का। और आज के इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों अभिकर्मक टॉपिक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पिछली लास्ट तीन क्लासों में हमने देखा है कि हमने काफी अभिकर्मकों के बारे में पढ़ लिया है, लगभग 9 अभिकर्मकों के बारे में पढ़ लिया है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है, आधार है। और यदि हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन आते हैं तो वो इन्हीं के आधार पर आते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट अभिकर्मक के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा है, अभिकर्मक नंबर 10 के बारे में आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। अभिकर्मक कौन सा है? नाम है ग्रिनार अभिकर्मक। मैंने पहले ही ऑलरेडी लिख रखा है ताकि आपका और मेरा समय जो है वो बचे। ग्रिनार अभिकर्मक का सूत्र होता है दोस्तों RMGX। क्या सूत्र होता है? ग्रिनार अभिकर्मक का RMGX सूत्र होता है ना। हम अभिकर्मकों में क्या पढ़ते हैं, हमारे पिछली बार से भी हम देखते आ रहे हैं कि अभिकर्मकों में हम पढ़ते हैं कि वो अभिकर्मक क्या क्या बनाता है, उसके कार्य क्या है, ये पढ़ते हैं, है ना, किस प्रकार से बनाता है। तो ग्रिनार अभिकर्मक की यदि हम बात करते हैं, देखो ये अभिकर्मक जो है वो क्या है कि सभी से लिए गए हैं। कोई एल्कोहल चैप्टर से लिया गया है, एल्डिहाइड में अलग तरीके से अभिक्रिया करेगा, एल्केन में अलग तरीके से अभिक्रिया करेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर कोई एक टॉपिक है या चैप्टर है, ये जो है इनका काम जो है वो एक ही रहता है ना। अब वो चाहे किसी के भी साथ अभिक्रिया करें, उनका काम जो है वो एक ही रहता है। तो यहाँ पर ये ग्रिनार अभिकर्मक जो अभिकर्मक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। हर चैप्टर में इसकी अभिक्रिया होती है, अलग अलग प्रकार से अलग अलग क्रियात्मक समूह या यौगिकों के साथ में यह अभिक्रिया करता है। एल्केन के साथ यह अभिक्रिया, मतलब पहले क्या क्या बनाता है, एल्केन का निर्माण करता है, पहला काम है ना। हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल्स कि एल्केन का निर्माण किस प्रकार से करता है। पहले एक बार इसके कार्य समझ लेते हैं कि ये क्या कार्य करता है। तो एल्केन का निर्माण करता है पहले, दूसरा है कि यह अल्कोहल का भी निर्माण करता है, तीसरा है कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण करता है। कार्बोनिल यौगिक का मतलब क्या होता है? कार्बोनिल यौगिक का मतलब होता है जिनमें CO समूह होता है ना, C डबल बॉन्ड होता है ना, जैसे हम इसमें बात करते हैं इस प्रकार से इनको कार। और खासकर कार्बोनिल समूह में कौन से आते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन आते हैं, ठीक है। तो एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण यह करता है, और उसके बाद में है कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण भी करता है। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से ये इसके चार कार्य हैं, इस प्रकार से अलग अलग बनाता है कि एल्केन भी बनाएगा, एल्कोहल भी बनाएगा, एल्डिहाइड भी बनाएगा, कीटोन भी बनाएगा और कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बनाएगा, है ना। सो अभी हम देखते हैं इनके बारे में, एक एक के बारे में। तो सबसे पहले फर्स्ट के बारे में देखते हैं, एल्केन का निर्माण किस प्रकार से करता है, ठीक है। तो अभिकर्मक क्या है हमारा? ग्रिनार अभिकर्मक है। ग्रिनार अभिकर्मक क्या होता है? RMGX है ना, RMGX है। ये क्या करता है? यदि सक्रिय हाइड्रोजनों से क्रिया करता है, सक्रिय हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है, क्रिया करता है, तो क्या बनाता है? एल्केन बनाता है। क्या बनाता है? एल्केन बनाता है। राइटिंग पे थोड़ा सा ध्यान देना, यदि RMGX की अभिक्रिया हम किसी ऐसे यौगिक से कराते हैं, ऐसे यौगिक से कराते हैं सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिक, ठीक है, ऐसे यौगिकों से कराते हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन जो है वो सक्रिय है, मतलब उनका हाइड्रोजन जो है वो क्रिया करता है, तो क्या बन जाएगा? एल्केन बन जाएगा। एग्जांपल के तौर पे कौन कौन से होते हैं, जैसे कि H2O हो गया, ROH हो गया, ठीक है, इस प्रकार से, और या फिर RH हो गया इस प्रकार से। तो इनमें क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये H2O का H हो गया, ये क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं, एक्टिव होता है ये हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन एक्टिव होकर इससे क्रिया करता है, और क्रिया करके क्या बनाता है? एल्केन बनाता है। कैसे बनाता है? देखो एक ब्रीफली हम यहाँ पे समझा दें कि जिन यौगिकों का हाइड्रोजन एक्टिव है, उनका हाइड्रोजन, माना कि यहां से हाइड्रोजन जाएगा, है ना, फिर वो चाहे H2O हो, ROH हो, एल्कोन हो, कुछ भी हो, ये हाइड्रोजन क्या करता है? इस R के साथ में क्रिया करता है, और R के साथ क्रिया करके ये क्या बना लेता है? RH बना लेता है। क्या बना लेता है? RH बना लेता है। तथा उस यौगिक के अंदर, जिस भी यौगिक से क्रिया करता है, उस यौगिक के अंदर जो भी है, जैसे कि यदि हम इसकी बात करें, एल्कोहल में से एच तो चला जाएगा, बचा क्या? आरओ बचा। ये आरओ इस MGX के साथ में क्या हो जाता है? जुड़कर एक बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाएगा, है ना। तो जो हाइड्रोजन सक्रिय, मतलब एक्टिव हाइड्रोजन युक्त जो यौगिक है, जो कंपोनेंट्स कंपाउंड्स हैं, उनका जो हाइड्रोजन है वो किस के साथ? आर के साथ में एल्केन बना लेता है, बाकी जो है वो बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाता है, ठीक है। चलिए एक बेसिक सा एग्जांपल देखते हैं, सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल है हमारा दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा समझते चलना।
हम सबसे पहले क्या लेंगे, एल्किल ग्रिनार विक्रमक लेंगे, एक कार्बन का लेते हैं तो CH3MgCl लिया, ठीक है। इसकी अभिक्रिया यदि हम HCl के साथ में करा देते हैं, किसके साथ करा देते हैं, HCl के साथ करा दिया। ये HCl जो है इसमें क्या हो रहा है, ये किस में होता है, H प्लस और Cl माइनस के रूप में होता है ना। इसमें ये जो हाइड्रोजन है वो क्या होता है, एक्टिव होता है। ये जो हाइड्रोजन है वो क्या है, इसमें एक्टिव हाइड्रोजन है। तो ये हाइड्रोजन इस R के साथ में, है ना, R बोले तो एल्किल समूह, इस CH3 के साथ में क्रिया करके जुड़ जाएगा। बचा क्या, ये बचा, ठीक है, ये इस Cl के साथ में क्या हो जाएगा, बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाएगा, है ना। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक्टिव हाइड्रोजन युक्त जो यौगिक है उनमें हाइड्रोजन जो है वो क्या करता है, उस R के साथ में जुड़ जाएगा। अब ये R कितने भी कार्बन का हो सकता है, एक कार्बन का, दो कार्बन का, कितने भी कार्बन का, ठीक है। तो इसको यहां पे जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH4 प्लस, ये क्या है, MgCl, ये Cl और जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा, MgCl2 बन जाएगा। तो ये MgCl2 क्या है, बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हो गया, सेकंड एग्जांपल हम ले लेते हैं, ओके, CH3CH2 MgX MgCl लेते हैं प्लस एल्कोहल ले लेते हैं CH3OH, है ना। हमें कुछ नहीं करना है, जो यौगिक है उसका हाइड्रोजन देखना। एल्कोहल में क्या है, एल्कोहल में OH का H एक्टिव होगा, ये H इसके साथ में क्रिया करेगा, ठीक है, जो R समूह है, बाकी ये जो है उसके साथ में बाहर निकल जाएगा। तो क्या बनेगा इसमें प्रोडक्ट, मैं नीचे लिख रहा हूं इसको, इसमें बनेगा CH3CH2 और ये एच यहाँ पे आएगा तो ये भी CH3 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 और CH3 प्लस, है ना। MgCl है जो CH3O के साथ में जुड़ जाएगा, तो प्लस में क्या बन जाएगा, CH3 और O, CH3O उसे MgCl आकर जुड़ जाएगा OMgCl, ये बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाएगा। सिंपल है कि नहीं है, है ना। बस क्या करना है, जो एक्टिव हाइड्रोजन युक्त जो यौगिक हैं उनका हाइड्रोजन उस एल्किल समूह से, जो R समूह है वो कितने भी कार्बन को वहां से आके जुड़ के क्या बना लेता है, एल्किल। ये मेथेन बना था हमारा, यहाँ पे ये एथेन बना है, ठीक है। इसी प्रकार से एक एग्जांपल और देखते हैं, बता दो इसको लिखते हुए चलना दोस्तों, है ना। चलिए थर्ड एग्जांपल हम देखते हैं, C6H5MgCl, इसकी अभिक्रिया हम यदि एसिटिलीन से करा देते हैं, एसिटिलीन तो समझते हो ना, एल्काइन का प्रथम सदस्य होता है, उसको एल्काइन का, है ना, ये एल्काइन है, उसको एसिटिलीन भी कहते हैं, इसके साथ कराते हैं। तो अब क्या होगा यहाँ पे, अब इनमें एक्टिव हाइड्रोजन पकड़ेंगे, है ना, एक्टिव हाइड्रोजन इसमें पकड़ेंगे, माना कि ये है या ये है, ये एक्टिव हाइड्रोजन इसके साथ में जाएगा, ये C6H6 है, ये इसके साथ में जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, C6H6 बन जाएगा, है ना। यहाँ पर ये इसके साथ जुड़ा हुआ था, अब ये अलग हो गया, और C6H6 क्या होता है, बेंजीन होता है, पता है ना आपको, C6H6 क्या होता है, बेंजीन होता है। बाकी ये क्या बचा, CH ट्रिपल बॉन्ड C प्लस के रूप में क्या हो गया, CH ट्रिपल बॉन्ड C, H तो निकल गया, और इस C से ये MgCl आकर जुड़ जाएगा, MgCl आकर जुड़ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से होगा। तो यहां पर हमने देखा अलग अलग प्रकार से, हमने पहले RX के रूप में देखा था, HCl से उसकी अभिक्रिया कराई थी, फिर हमने एल्कोहल से अभिक्रिया कराई, फिर एसिटिलीन से अभिक्रिया कराई। तो सभी में क्या हो रहा है कि जो एक्टिव हाइड्रोजन है ना, वो उसके R के साथ क्रिया कर रहा है, RMGX का R जो है उसके साथ क्रिया कर रहा है, और क्या बना रहा है, बेंजीन बना रहा है। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से ये क्या हो रहा है, यहां पर सीधी सी बात हम बात करें कि एल्केन का निर्माण हो रहा है। सेकेंड बात करते हैं अब हम, सेकेंड कौन सा था हमारा, एल्केन का निर्माण तो हो गया पहला कार्य, दूसरा कार्य है हमारा एल्कोहल का निर्माण। दूसरा कौन सा है, एल्कोहल का निर्माण किस प्रकार से, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है, समझते हैं इसको क्या होता है। देखिए ये एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन इसका पूछा जाता है, आता है एल्कोहल का निर्माण कैसे होता है, एल्कोहल में क्या होता है, OH होता है ना, ROH। तो इसमें अलग अलग है, 1 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होता है, 2 डिग्री एल्कोहल का, और 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि RMGX जो है, ठीक है,
यदि ये सिंपल ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करता है, ठीक है, ऑक्सीजन हाफ ऑक्सीजन ले सकते हैं हम इसमें, है ना, या HCHO सिर्फ एल्डिहाइड के साथ क्रिया करेगा, या ऑक्सीजन CH2CH2O इन सभी के साथ में यदि ये RMGS क्रिया करता है ना, तो इसके साथ में क्रिया करके, इन सभी के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, 1 degree ROH बनाता है। क्या बनाता है? 1 degree ROH बनाता है, मतलब 1 degree से ये प्राथमिक एल्कोहल बनाता है। ठीक है, सिंपल यदि ये इसके साथ में मतलब एल्डिहाइड का प्रथम सदस्य है उसके साथ क्रिया करता है। तो अब यदि इसके अलावा RMGX, इसके अलावा जितने भी एल्डिहाइड हैं एक कार्बन को छोड़कर, ठीक है, जितने भी एल्डिहाइड है, मतलब कितने भी कार्बन का क्या हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, उसके साथ क्रिया करके 2 degree alcohol बनाता है। क्या बनाता है? 2 degree alcohol बनाता है। और थर्ड स्टेप में है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, यदि कीटोन से अभिक्रिया करता है, ठीक है, कीटोन बोले तो RCOR, कीटोन से अभिक्रिया करेगा तो 3 degree alcohol बनाएगा। ये चीज आप ध्यान रखना, ये हो जाएगा इसका ब्रीफली, है ना। हम हालांकि डिटेल में पढ़ेंगे सारी चीजें कि 1 degree alcohol का निर्माण किस प्रकार से होगा, 2 degree का किस प्रकार से होगा, 3 degree का, बट ये एक सिंपल सा मेथड है जो हमें समझना है। एग्जाम में यदि इस प्रकार से क्वेश्चन आ रहा है कि RMGS का अभिक्रिया इसके साथ HCHO के साथ में कराई जा रही है, ठीक है, तो 1 degree बनेगा, इसके अलावा जितने भी एल्डिहाइड है उनके साथ में 2 degree, और जितने भी कीटोन के साथ यदि अभिक्रिया कराई जाती है तो 3 degree बनता है, राइट। चलिए अब इनके हम एक एक के एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टार्टिंग में CH3MgCl, इसके अभिक्रम किससे करा रहे हैं, O2 से करा रहे हैं, है ना, लेकिन एक ऑक्सीजन से कराते हैं तो हम यहाँ पे हाफ O2 लेंगे, तो हाफ O2 मतलब ऑक्सीजन दो है, दो का आधा करेंगे तो एक ऑक्सीजन के साथ ही अभिक्रिया होगी, है ना। तो यहां पर क्या होगा, सीधी सी बात है, यहां पर जब इसकी इस प्रकार से अभिक्रिया कराएं तो पहले तो ये पूरा आगे जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा CH3OMgCl, समझ लो इस बात को। एक बात आपको और बता दें, एल्कोहल का जो निर्माण होता है वो 2 steps में होता है। कितनी स्टेप में? 2 steps में होता है। पहली स्टेप में क्या होगा कि आपका ये जो MgCl है ना, ये बाइसल्फाइड MgCl जो है, ये MgCl O पर जुड़ेंगे, कहां पर जुड़ेंगे, O पर जुड़ना है पहली स्टेप में। दूसरी स्टेप में क्या करना है, हमें जो भी बनेगा उसकी अभिक्रिया डायलेट H2SO4 से करा देनी है। किससे करा देनी है? डायलेट H2SO4 से करा देनी है। क्या होता है भाई डायलेट H2SO4? पिछली क्लास में बताया था ना मैंने आपको, लास्ट क्लास में हमने देखा था डायलेट H2SO4, फिर कंसंट्रेट H2SO4, फिर ZnO जिंक चूर्ण, और फिर हम इस पे आए हैं, है ना। डायलेट H2SO4 का काम क्या होता है? जल जोड़ने का काम होता है, बिल्कुल राइट, जिन लोगों ने सही सोचा है। तो जल जोड़ेगा, ये क्या करेगा, HOH जोड़ेगा, है ना, ये चीज है। तो एल्कोहल के निर्माण में क्या होता है, अभिक्रिया जो है वो 2 steps में कंप्लीट होती है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक वाले अभिक्रिया। पहली स्टेप में क्योंकि एल्कोहल है तो मतलब ऑक्सीजन तो होगा ही होगा वहां पे, है ना, एल्कोहल क्या होता है, ROH होता है, तो ऑक्सीजन तो है ही इसमें। तो पहली स्टेप में क्या होता है, ये MgCl जो है ये ऑक्सीजन पे जाकर जुड़ता है, और सेकेंड स्टेप में हम उसकी अभिक्रिया डायरेक्ट H2SO4 से कराते हैं, जो क्या करता है, जल जोड़ता है, तो जल जोड़ के फिर उस प्रकार से वहां पे एल्कोहल का निर्माण होता है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट स्टेप तो हमारी कंप्लीट हो गई है यहाँ पर, है ना, कि RMGS की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करा रहे हैं, ऑक्सीजन दिख गया किसको, MgCl को, तो ये भग के यहाँ पे आगे चिपक गया ऑक्सीजन से। सेकेंड स्टेप में हम क्या कराते हैं, डायरेक्ट H2SO4 से उसकी अभिक्रिया कराते हैं, जो क्या करता है, HOH जोड़ता है, तो H और OH ये क्या करेगा, जोड़ेगा। जैसे ही वो डायरेक्ट H2SO4 HOH जोड़ता है, ये यहां से टूट जाता है, तो क्या बना अब यहां पे CH3OH, एक तो क्या बन जाएगा, CH3OH बन जाएगा, और प्लस MgCl और OH बाहर निकल जाएगा, तो क्या बाहर निकल जाएगा, MgClOH जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो हमारा मेन प्रोडक्ट क्या बन गया, ये बन गया CH3OH, जो कौन सा है, जो 1 degree alcohol है। किस प्रकार का एल्कोहल है, 1 degree alcohol है। थोड़ा फास्ट बोल रहा हूं, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है आपको, ठीक है, वापस रिपीट कर रहे हैं। एल्कोहल का निर्माण पहली स्टेप में कैसे होता है, सिंगल ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, तो ऑक्सीजन पे MgCl आके जुड़ेगा फर्स्ट स्टेप में, तो
सेकेंड स्टेप में क्या होता है, डायलेट H2SO4 के साथ में उसकी अभिक्रिया होती है जो क्या करता है, जल जोड़ता है, जल जोड़ेगा, एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा, बाय प्रोडक्ट के रूप में MgCl MgOH बाहर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए मिटा रहे हैं हम इसको। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं एल्कोहल के निर्माण में, यदि हम दूसरी बात करें कि RMGX है CH3 और MgCl ये लेते हैं, इसके अभिक्रिया हम सबसे पहले पढ़ रहे थे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, इसमें कराते हैं प्रथम सदस्य है ना, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ जब इसके अभिक्रिया कराएंगे तो सबसे पहले तो क्या होगा, ये पूरा MgCl इस ऑक्सीजन पे आके चिपकेगा। देखो यदि एल्कोहल में आपने ये ट्रिक समझ लिया आपने कि हाँ टू स्टेप अभिक्रिया होती है ऐसे ऐसे, तो आंख बंद करके कीजिए कितनी कैसा भी कुछ भी हो, ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या होगा ऑक्सीजन पर आके जुड़ेगा ये, इसको हम CH2 लिख सकते हैं, CH2O भी तो लिख सकते हैं ना हम इसको, फॉर्मेल्डिहाइड को, ये तो याद है ना आपको फॉर्मेल्डिहाइड होता है ये CH2O, हम इसको लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेगा, ये पूरा की पूरा आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा। अच्छा एक बात और ध्यान रखना कि जिस कार्बन पर ऑक्सीजन होती है उससे जुड़ता है ना, तो यहां पर क्या होगा, ये इसको हम और थोड़ा सा करते हैं कि H2C और O, इस ऑक्सीजन से MgCl जुड़ेगा, लेकिन जिससे ऑक्सीजन जुड़ी होती है जिस कार्बन से, उसी कार्बन पर वो R समूह एल्किल समूह भी जाकर जुड़ता है उसी कार्बन पर, ठीक है, जिस कार्बन पर ऑक्सीजन जुड़ी होती है उसी कार्बन पर CH3 आकर जुड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यहां पर OMgCl और ये CH3 भी यहां पर आकर जुड़ गया, ये CH3 भी यहां पर आकर जुड़ गया, ये CH2 है ये पहले से ही, और इस ऑक्सीजन पर MgCl आकर जुड़ गया। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या होगा, डायलेट H2SO4 के साथ उसकी अभिक्रिया होगी, ठीक है, जो क्या करेगा डायलेट H2SO4 क्या करेगा, HOH जुड़ेगा, H और OH जुड़ेगा, जैसे ही HOH जुड़ेगा तो ये टूट जाएगा। ठीक है, तो अब यहां क्या बना, CH3 CH2O और ये H ये बाहर निकल जाएगा, तो क्या बनेगा इसमें, एक तो बन जाएगा CH3 CH2OH प्लस MgClOH बाहर निकल जाएगा, MgClOH जो है वो बाहर निकल जाएगा, समझ में आ गया, स्टेप वही है, ऑक्सीजन के साथ में पहले MgCl जुड़ेगा, जिस ऑक्सीजन से कार्बन जुड़ा हुआ है उस पर एक तरफ तो MgCl जुड़ जाएगा और उसी कार्बन पर जो एल्किल समूह वाला है वो भी आके जुड़ जाएगा, वापस डायरेक्ट H2SO4 से अभिक्रिया करा दो, HOH करके अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो है हमारा एक कार्बन का एल्डिहाइड जिसको हम फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। अब यदि एल्डिहाइड एक कार्बन से ज्यादा कार्बन के हुए तो क्या बनेगा, अच्छा ये यहां पर एल्कोहल जो बना है वो 1 डिग्री एल्कोहल बनाता है ना, मैं बोलना भूल गया, हमने ऊपर पढ़ाया था कि यदि सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया होगी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की तो क्या बनेगा 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा, और यदि उसके साथ में उसके अलावा जितने भी एल्डिहाइड हैं उनके साथ यदि अभिक्रिया होती है तो 2 डिग्री बनता है। तो देखते हैं कि 2 डिग्री एल्कोहल का निर्माण किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं CH3 MgCl, सिंपल सा, इसकी अभिक्रिया यदि हम करा देते हैं CH3 और CHO से, है ना, इस प्रकार से इसे हम करा देते हैं CH3 CHO से हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं, तो अब यहां पर किस प्रकार से निर्माण होगा इसका, ये CH3 MgCl जो है इस ऑक्सीजन पर जाकर जुड़ेगा, है ना, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्लियर, ऑक्सीजन पर जाकर जुड़ेगा और जिस ऑक्सीजन पर MgCl जुड़ता है वो ऑक्सीजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन पर ये CH3 होगा, तो ये CH3 तो है वो इस कार्बन पर जाकर जुड़ेगा, है ना, और ये MgCl जो है वो इस ऑक्सीजन पर जाकर जुड़ेगा, फर्स्ट स्टेप में तो डायरेक्ट जाकर जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3C, ऊपर CH3 लग गया, ठीक है, ये CH है, यहां पर O और MgCl, क्लियर हो गया, ये तो स्टेप हुआ, कुछ नहीं किया अभी हमने, डायरेक्ट जुड़ा है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, इसकी अभिक्रिया किससे होती है, डायलेट H2SO4 से साथ में इसकी अभिक्रिया होती है, तो ये क्या करता है, यहां पर डायलेट H2SO4 के साथ जब इसकी अभिक्रिया होती है तो ये HOH जुड़ेगा। ठीक है, HOH जैसे ही यहां पर ये जुड़ेगा तो यहां पर H और OH जुड़ेगा, थोड़ा सा यहां पर जगह कम है, ठीक है, जैसा कि हर बार हो रहा है MgClOH के साथ में बाहर निकल रहा है, ये यहां से टूटेगा, यहां से टूटकर ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो अब क्या बना, CH3 ये CH2OH है ना, CHOH बन गया, ये क्या बन गया, CH3 ये CH है, ये ऊपर क्या है CH3 है,
ये नीचे क्या है OH है प्लस बाय प्रोडक्ट के रूप में ये बाहर निकल जाएगा MgCLOH जो मैं नहीं लिख रहा हूं। ये एल्कोहल किस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है। ये अन्य कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है, दो कार्बनों से जुड़ा हुआ है ना। ये एक तो ये रहा एक और एक ये रहा, दो अन्य दो से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये एल्कोहल कौन सा हो जाएगा, 2° एल्कोहल हो जाएगा। कौन सा एल्कोहल हो जाएगा, 2° एल्कोहल हो जाएगा। बात आई कि नहीं समझ में भाई। अगर एल्डिहाइड हमने फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया कराई थी तो 1° बना था, है ना। फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कितने भी कार्बन का एल्डिहाइड है तो उसके साथ में क्या करता है, 2° एल्कोहल बनता है। किस प्रकार से, पहले सभी जाके जुड़ेंगे, सिंपल स्टेप वही है, बस ऑक्सीजन पर जाके जुड़ेगा, दूसरा उसके ऊपर जाके जुड़ जाएगा, है ना। फिर उसकी डायलेट H2SO4 के साथ में अभिक्रिया कराएंगे और 2° एल्कोहल बन जाएगा। अब आता है थर्ड नंबर पे आती है हमारे कीटोन के साथ यदि अभिक्रिया कराए तो, किसकी अभिक्रिया, ग्रिग्नार अभिकर्मक की। ग्रिग्नार अभिकर्मक जैसे कि CH3 MgCl, इसकी अभिक्रिया कीटोन के साथ में कराते हैं, ठीक है। कीटोन ले लेते हैं जैसे कि CH3 और CH3CO CH3, है ना, ये कीटोन ले लेते हैं, तो इसका भी वही काम रहेगा। सबसे पहले क्या कर, अच्छा इसको आपको होमवर्क में भी दे सकता हूं मैं आपको इसको, है ना, कर सकते हो। चलिए होमवर्क के लिए आपको दे रहा हूं इसको करना। ये MgCl जो है पहले यहां पे आके जुड़ेगा, ये CH3 जो है वो इसी कार्बन पर ऊपर की तरफ जाकर जुड़ जाएगा। बाद में डायरेक्ट H2SO4 से अभिक्रिया कराना, HO से बाहर निकल जाएगा, उसका जो O है, ठीक है, OH जो है वो तो MgCl के साथ बाहर निकल जाएगा, H यहां पर आकर जुड़ जाएगा। अब इसमें एक कार्बन ऊपर की तरफ भी आ गया है, तो ये मुख्य कार्बन कितने कार्बन जुड़ा, 1, 2 और 3, तो इसलिए कौन सा बन जाएगा, ये 3° एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों क्लास बहुत लंबी हो गई है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको कुछ होमवर्क आप करिए, कुछ मैं करता हूँ, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। सो इसका आप एक बार घर पे एग्जांपल कीजिए, मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना आपने सही बनाया नहीं, अगर कुछ गलती होती है तो मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा, है ना। चलिए एल्कोहल का निर्माण हो गया इस प्रकार से। अब नेक्स्ट आता है हमारा कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण। नेक्स्ट कौन सा है, कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण। कार्बोनिल यौगिकों में भी हमने दो चीज पढ़ी थी, एक तो है एल्डिहाइड का निर्माण होगा या कीटोन का निर्माण होगा, ठीक है, या तो एल्डिहाइड का निर्माण होगा या किसका निर्माण होगा, कीटोन का निर्माण होगा। देखिए इसमें दो चीजें हैं कि यदि आरएमजीएस की अभिक्रिया यदि हम सिंपल किसी भी HCN के साथ में करा देते हैं, HCN के साथ कराते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, तो क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। और यदि RMGX की अभिक्रिया हम HCN के अलावा यदि हम इसमें RCN के साथ कराते हैं, RCN है ना, एक कार्बन मतलब सिंपल साइनाइड से कराते हैं या एस्टर ले सकते हैं, तो उसमें एल्डिहाइड बनता है। उसके अलावा जितने भी नेटरल से कराएंगे तो क्या बनेगा, कीटोन का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, कीटोन का निर्माण होगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके, ये आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल, यदि कोई भी ग्रिग्नार अभिकर्मक है CH3 MgCl, इसके अभिक्रिया यदि हम HCl के साथ में कराते हैं, ठीक है, इसके अभिक्रिया यदि हम एक सेकंड HCN के साथ कराते हैं ना, HCl नहीं है ये, HCN के साथ में यदि इसकी हम अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है, इसमें सबसे पहले तो यहाँ पे क्या होगा, ये MgCl जो है वो पूरा के पूरा यहाँ पर नाइट्रोजन पर आकर जुड़ जाएगा। अच्छा ये HCN जो है C और N आपस में ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, ठीक है, ध्यान रखना ये ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो पहले तो यहाँ पर क्या होगा, ये CH यहाँ पर CH3 आकर जुड़ जाएगा ये वाला, ये MgCl जो है वो क्या होगा, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड N है और यहाँ पर MgCl आकर जुड़ेगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पे, है ना, एक इधर की तरफ आकर जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, सेकंड स्टेप में क्या होता है, इसकी अभिक्रिया H2O से होती है, किसके साथ में होती है, H2O के साथ में अभिक्रिया होती है ना।
इस H2O को मैं इस उल्टा लिख रहा हूँ थोड़ा सा, किसके साथ होती है, H2 और O के साथ होती है, ऐसे लिख रहा हूँ इसको, मेरी मर्जी भाई। H2O के साथ में इसकी अभिक्रिया होती है, ये यहां से टूट जाता है, ठीक है। अब यहां पर देखो पहले पिछली वाली क्लास में क्या, मतलब पिछली वाली रिएक्शन में क्या हो रहा था कि OH MgCl के साथ जा रहा था, यहां पर पूरा H2 जाता है ना, तो ये H2 इसके साथ चला जाएगा, बचा क्या, ये CH3CH और O, तो ये क्या हो गया CH3CHO, CH3CHO क्या है, एल्डिहाइड है, CH3CHO क्या है, एल्डिहाइड है, प्लस MgCl NH2 बाहर निकल जाएगा, MgCl और NH2 जो है वो बाहर निकल जाएगा। चूंकि दोस्तों यहां पर नाइट्रोजन ये दो संयोजकता के साथ में जुड़ रहा था, तो जब नाइट्रोजन यहां से अलग होगा तो उसको अपनी संयोजकता तो पूरी करनी पड़ेगी ना, तो दो संयोजकता पूरी करनी, इसलिए दोनों हाइड्रोजनों को लेकर जाता है, बचा ऑक्सीजन वो इसके साथ में जुड़ जाता है, इस प्रकार से इसका निर्माण होता है, ठीक है। तो ये है कि सिर्फ HCN के साथ में यदि अभिक्रिया होती है तो क्या बनाता है, तो ये बनाता है एल्डिहाइड बनाता है। अब सेकेंड स्टेप में हम बात करते हैं, अभी हमने बात किया कि कीटोन बनाएगा, कीटोन किस प्रकार से बनाएगा, कि यदि HCN के अलावा जितने भी साइनाइड हैं या जितने भी नाइट्राइल हैं उनके साथ यदि इसकी अभिक्रिया होती है, इधर ध्यान नहीं, इधर ध्यान दो, यदि HCN के अलावा जितने भी नाइट्राइल हैं, RCN है, कितने भी कार्बन का है, तो उसके साथ में अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, कीटोन बनता है, ठीक है। चलिए उसको देख लेते हैं, RMGX है अपना, है ना, आधे घंटे से यही लेके चल रहे हैं, तो CH3MgCl, इसकी अभिक्रिया यदि CH3 और हम इसमें करा देते हैं CN से, है ना, एक कार्बन का है, CN आपस में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, पहले स्टेप में क्या होगा, पूरा पूरा आकर जुड़ जाएगा, तो ये जो CH3 है, इस CH3 से ये CH3 पहले तो इसके माथे पे आके जुड़ेगा, ये CH3 जुड़ गया, और आगे क्या है, C डबल बॉन्ड N, और N से क्या जुड़ जाएगा, MgCl आकर जुड़ जाएगा, M से क्या जुड़ गया, MgCl आकर जुड़ गया, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, उसके अभिक्रिया हम किससे करा रहे हैं, H2O से करा रहे हैं, तो H2O को मैं कैसे लिख रहा हूं, उल्टा लिख रहा हूं, H2O इस प्रकार से लिख रहा हूं उसको, ठीक है, H2O से करा रहे हैं, ये कहां से टूटेगा, यहां से टूट जाएगा, है ना, यहां से टूटेगा, वापस पूरा एजिटिस लिख दो, CH3 और कार्बन और O, तो ये क्या बन गया, CH3 और CO, एक सेकंड सॉरी, ये CH3 यहां पे नहीं जुड़ेगा, ये CH3 इस कार्बन पर जुड़ेगा, क्योंकि उस कार्बन से ही है ना, तो इस कार्बन से जुड़ेगा ये CH3, तो ये हो गया CH3 CO CH3 हो जाएगा, और प्लस MgCl NH2 बाहर निकल जाएगा, क्लियर हो रहा है, MgCl NH2 जो है वो बाहर निकल जाएगा, उसी प्रकार से सेम वही है, बस उसमें कार्बन नहीं था, इसमें कार्बन है, तो CH3 CO CH3 बन जाएगा, और ये MgCl NH2 जो है वो बाहर निकल जाएगा, तो यहां पर ये क्या बन गया, CH3 CO CH3 क्या है, कीटोन है, तो इस प्रकार से कीटोन का निर्माण होता है, ठीक है। तो कार्बनिल यौगिकों की यदि हम बात करते हैं कि कार्बनिल यौगिकों में क्या हो रहा है, इसका निर्माण हो रहा है, एल्डिहाइड का निर्माण होता है, या कीटोन का निर्माण होता है, किस प्रकार से होता है वो क्लियर हो गया। अब लास्ट कार्य बचा है चौथे नंबर का, है ना, वो है कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण, किसका निर्माण, कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण, वो भी देख लेते हैं। लिख लेना आगे निर्माण, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण, इसमें क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्लों में सीधी सी बात है, ध्यान का रखना लॉजिक ये है कि RMGX की अभिक्रिया यदि CO2 से कराते हैं तो RCOOH बनता है, क्या बनता है, RCOOH बनता है, ठीक है। एग्जांपल देखिए, जैसे कि CH3MgX है ना, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, इसकी अभिक्रिया CO2 से कराएंगे तो क्या होगा, तो सबसे पहले क्या होगा, ये CO2 जो है इस पर पूरा की पूरा वही ऑक्सीजन दिख गया तो वहां पर जाकर जुड़ेगा, तो ये CH3 CO2 को मैं COO खोल के लिख रहा हूं, और MgX यहां पर आकर जुड़ गया पहले स्टेप में, तो ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, इसकी अभिक्रिया जल के साथ में होती है, वही डायरेक्ट एस्टर से पूर ले आओ,
है ना, क्या करता है ये जल जोड़ता है, तो जल जोड़ेगा तो H और HOH जोड़ेगा, है ना। जैसे ही HOH जोड़ेगा तो ये वापस से पहले की तरह बाहर निकल जाएगा, जैसे हमने एल्कोहल में पढ़ा था, ठीक है। तो CH3COO और H ये क्या बन गया, CH3COOH बन गया और MgXOS बाहर निकल जाएगा, MgXOH X की जगह कुछ हो सकता है ना, जैसे हम Cl ले रहे थे तो MgClOH जो है वो बाहर निकल जाएगा इस प्रकार से। क्लियर है, हो जाएगा। तो ये एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल मैं आपको घर के लिए दे रहा हूं, C6H5MgCl की अभिक्रिया यदि CO2 से कराते हैं तो क्या बनता है, ठीक है। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि यदि CO2 के साथ में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया हो रही है तो सॉरी तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। इस प्रकार से दोस्तों हमने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के जितने भी कार्य हैं वो सभी पढ़ लिए हैं, ठीक है। क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का क्वेश्चन जो है वो हर बार आता है, ये हर चैप्टर में इसकी अभिक्रिया आपको मिल जाएगी। सो अभी आपको अलग अलग चैप्टर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको लॉजिक समझना है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया किसके साथ में होती है तो क्या बनता है। तो एल्केन भी बनता है, एल्कोहल भी बनता है, एल्डिहाइड भी बनता है, कीटोन भी बनता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बनता है। पांचों बनते हैं, आपको बस ये देखना कि किसकी अभिक्रिया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया किसके साथ होती है तो क्या बनता है, वो वाला कंसेप्ट आपको याद रखना है। जैसे सिर्फ CO2 के साथ हो रही है तो फिक्स है कि वहां पर COOH बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल ही बनेगा, इस प्रकार से कंप्लीट होती है, ठीक है दोस्तों। सो आज की इस क्लास में हमने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के बारे में जाना है, समझा है, पहचाना है उसको अच्छे से। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि अच्छे से समझ में आ गई है, इसमें सब कुछ सही चला है, आपने नोट डाउन कर लिया है, तो कमेंट जरूर करके बताना आपको क्लासेज कैसी लगती हैं। रेगुलरली जो आप क्लासेज ले रहे हैं बच्चे, आप कमेंट जरूर किया करें वीडियोस पे, उससे क्या कि हमें पता चलता है कि किसके मन में क्या चल रहा है ना। आपको यदि कोई अपने हिसाब से आप कमेंट करें, जो भी सजेशन देना है, जो भी फीडबैक देना है आप वो भी बता सकते हैं हमें। और जो बच्चे यदि नए जुड़े हैं इस वीडियो को पहली बार दोबारा तिबारा देख रहे हैं, मतलब दूसरी तीसरी वीडियो आई है चैनल की, सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप और भी काफी सारी हमने वीडियोस बना रखी हैं उनको भी जाके देखें सभी वीडियोस को, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आप फ्री स्टडी मेटर फ्री में पढ़ना चाहते हैं साल भर तक, सो हमारा ऐप है श्री गोविंदम क्लासेस के नाम से, प्ले स्टोर पर है, उसे डाउनलोड कर लें। बाकी लाइव क्लासेस चलती हैं सुबह और शाम को, आप यूट्यूब पे उनको ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पे आप जब चैनल को खोलोगे तो वहां पे कम्युनिटी आती है, यूट्यूब पे वीडियो आती है, वीडियो के बाद में प्लेलिस्ट आती है, ठीक है। प्लेलिस्ट के बाद में एक ऑप्शन हो जाता है कम्युनिटी, गलती से वहां चले जाया करो, तो वहां पर मैंने टाइम टेबल या फिर जो भी अपडेट्स वगैरह होते हैं या फिर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पूछता हूं वो डालता रहता हूं कम्युनिटी में, है ना। सो नया टाइम टेबल जो है मैंने अपलोड कर देता हूं, अपडेट कर रखा है, तो वहां से आप देख लें। बाकी सुबह 9 बजे से लेकर क्लास होती है और शाम को 4 बजे क्लास होती है, 4 बजे 7 बजे। सो ये आप लोगों के लिए रिमाइंडर है, ओके दोस्तों। चलिए अच्छे से पढ़ते रहिए, घर पे बैठ के क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करना इस वक्त में, इस चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। मैंने ऑलरेडी टेस्ट डाल रखे हैं ऐप के अंदर, उनको ज्वाइन कीजिए और इसके साथ में नोट्स भी मैं आपको भेज रहा हूं, तो नोट्सों को भी पढ़ लीजिए। ये शॉर्ट एंड स्वीटली हम आपको यहाँ पे बता देते हैं, डिटेल में आपको नोट्स में मिल जाता है। थ्योरी पढ़िए उनके, उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप डेफिनेटली, मैंने अपना नंबर आपको शेयर कर रखा है, आप बता सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।